अगला क्वेश्चन देखो आप, भारत में अभिशासन के समक्ष चुनौती को स्पष्ट करें। क्या नक्सलवाद की कि समस्या का समाधान अभिशासन के माध्यम से संभव है? अब देखो आप, अभिशासन के समक्ष चुनौती को स्पष्ट करें। क्या नक्सलवाद की समस्या का समाधान अभिशासन के माध्यम से संभव है? अभी थोड़ा सा प्रश्न, ठीक है, फिर देखो मैंने क्या किया, क्या शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग बात कर रहे थे क्या शब्द का भी प्रयोग होगा तो थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। क्लियर? अब देखो आप, अब फर्स्ट पैरे में क्या करोगे आप, अभिशासन का अर्थ बताओ और अभिशासन का अर्थ क्या है। नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका। इसका मतलब यही है, हम लोग जो बातें कर रहे थे, यह आपका नागरिक समाज है, यह आपका क्या है, बाजार है, और यह आपका क्या है, सरकार है। तीनों की जो भूमिका बढ़ जाए, हम सेकेंड पेरे में आएंगे, अभिशासन के समक्ष चुनौती क्या है। कोई दिक्कत नहीं, नंबर इस पर नहीं मिलेगा यूपीएससी में, इसको छोड़ दो, इसे समय बिल्कुल नहीं, तो इसका ये भी नहीं लिखना आपको, क्योंकि प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है, अभिशासन चुनौती ये पूछ रहा है यूपीएससी। अरे बात है, हमेशा देखो आप अभिशासन के समक्ष, अच्छा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अभिशासन के समक्ष चुनौती को तो सीधे चुनौती को हिट करना है, क्योंकि इसको किसी न किसी करंट के टॉपिक से क्या करेगा, इंटरलिंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान दो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। अरे बात है, इन्वर्टेड कामा, इस कथन के आलोक में अभिशासन के समक्ष उत्पन्न चुनौती को स्पष्ट करते हुए, अरे बात है, यह उपाय सुझाएं कि अभिशासन को कैसे मजबूत करके भारत में रैंकिंग को सुधारा जा सकता है, तो अभिशासन के संबंध में सुझाव देना आपको। अब एक करंट का क्वेश्चन हो गया, और सीधे करंट से क्या करेगा, जोड़ देगा वो, बातें समझ में आ गई। एक थी, देखो मैंने कहा अभिशासन के समक्ष चुनौती क्या है, पहली चुनौती देखो जरा, अभिशासन के एक बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती यह है कि सिविल सोसाइटी की सहभागिता चाहिए, लेकिन सिविल सोसाइटी तो निष्क्रिय है, जागरूक है ही नहीं, और इंडिया में के प्रत्येक क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी एक्टिव नहीं है, और जो एनजीओ सक्रिय भी है वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में क्या कर रही है, चेंज करने का माध्यम है, मतलब वो एनजीओ ही करप्ट है। अरे बात है, एक बड़ा सा रीजन ये है कि जागरूकता के अभाव और अज्ञानता के कारण हम तंत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो पहली चुनौती क्या है,
नागरिक समाज की सक्रियता में कमी, ध्यान दो, नागरिक समाज की सक्रियता में कमी तथा नागरिक समाज विशेष के एनजीओ, अरे बात है, के प्रति नकारात्मक सोच। मतलब सोच क्या है नकारात्मक? सोच ये है कि यार ये सिविल सोसाइटी निष्क्रिय है और ये सब के सब करप्ट है, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बातें समझ में आ गई? दूसरी बात ध्यान दो इस बात को, सरकार क्या करती है? सरकार को आगे बढ़कर सिविल सोसाइटी को प्रमोट करना है, लेकिन सरकार स्वयं नहीं चाहती कि सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट करे। अरे बात है, वो बिल्कुल नहीं चाहती। और बड़ा सा रीजन, डीएम कभी भी अपने पैरेलल किसी भी एनजीओ को सपोर्ट नहीं करता। अरे बात है, नंबर दो, सरकार द्वारा नागरिक समाज की उपेक्षा, ये लगातार एक चुनौती है। ठीक है, हम तीसरी चीज बात करें, भारत की जनता आज भी अशिक्षित है और उन्हें यह नहीं पता है कि पॉलिसी का नेचर कैसा होना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल हूं, कितने लोगों को बजट समझ में आता है? बजट तो समझ में आता नहीं है। अरे बात है, बस उनको ये पता, ये चीज महंगा, ये चीज महंगा क्यों हुआ, उसका रीजन सरकार है या उत्पादन का कम हो जाना है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस उनको तो मुझे सस्ते दर पे मिलने चाहिए, हम पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे, चीजें सदे मिले, उत्पादन क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। सीधा आरोप किस पाएगा? बिल्कुल। नंबर तीन की बात करें, जागरूकता का अभाव तथा नीति निर्माण के प्रति उदासीनता एक बड़ा सा रीजन है। अभी शासन के समक्ष चुनौती क्या है? हम कैसे अभी शासन को प्रमोट करें? अगले तय इस बात को मिटा दो। नंबर चार, चुनौती ये है अभी शासन के समक्ष कि जो शिकायत निवारण तंत्र वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। स्वयं भ्रष्ट होना तथा निष्क्रिय होना नंबर चार की। अब एक चीज बताओ, यदि निष्क्रिय होगा तो क्या सही तरीके से काम कर पाएगा? बोलो आप, नहीं कर पाएगा। नंबर पांच, तथा निष्क्रिय होने की बात करें हम लोग, ठीक है। एक बड़ा सा रीजन ये है, अभी शासन के समक्ष चुनौती ये है कि वो प्रशासन को जवाबदेह कैसे बनाए, क्योंकि जवाबदेहता के लिए जो नागरिक चार्टर और आरटीआई की बात की गई ना, वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। प्रशासन को जवाबदेह बनाना तथा प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना
एक बड़ी चुनौती है। अब ध्यान सुनो इस बात को, एक बड़ी चुनौती है इसके आगे। अरे बात है, चुनौती क्यों है? क्योंकि नागरिक चार्टर का सही तरीके से लागू न होना, तथा आरटीआई के प्रति उदासीनता, जब आरटीआई के प्रति उदासीन हो गए तो सही तरीके से नहीं कर काम कर पाएगा। तो प्रशासन हमारा जवाबदेह बनेगा तो कैसे बनेगा? नंबर छह की बात करें हम लोग, अब ध्यान देने इस बात को, देखो पहली चीज, प्रशासन को कहा जाता है कि अविशासन में कन्वर्ट करने में भूमिका किसकी होगी? लोक सेवक को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, पर दुर्भाग्य यह है कि लोक सेवक भी सही तरीके से भूमिका नहीं निभाता है। एक बड़ी और बड़ा सरीजन ये है कि हमारे जो पंचायतें गठित हुई है ना, पंचायतें गठित हुई वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अरे बात है, जब तक एक तो हमारा कानून का शासन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या बड़े पैमाने व्याप्त है, और जब तक विधि का शासन नहीं होगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक अविशासन भी मजबूत नहीं होगा। इसके साथ एक चुनौती ये है, राजनीतिक भ्रष्टाचार अरे बात है, देखो पहली चीज, दूसरी चीज, को दूर करना सत्ता के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करने के साथ पंचायतों को सशक्त बनाना एक चुनौती है, और जब यह चुनौती बढ़ेगी तभी शासन के सामने चुनौती क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला ध्यान दो इस बात को, अगले हम नंबर सात की बात करें, चुनौती क्या पैदा हो रही है अभिशासन के सामने? कि विधिगत शासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कानून के शासन को ध्यान दो, कानून के शासन को बनाए रखना तथा लोक सेवकों को एक चुनौती है। अब एक चीज सोचो जनाब, हम थर्ड पेरे में आएंगे, एक चीज ध्यान देना, क्या नक्सलवाद की समस्या का समाधान अभिशासन के माध्यम से संभव है? अब यह प्रश्न उठना शुरू हो गया। हम बात करेंगे देखो आप, क्या नक्सलवाद की समस्या का समाधान अभिशासन के माध्यम से संभव? क्या शब्द है इसका? मतलब दो पक्ष होगा। अरे बात है,
यदि अभिशासन का सही तरीके से क्रियान्वयन हो तो नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो सकता है। क्यों? अगले पेरे में जाएंगे, पर नक्सलवाद का उद्देश्य क्या है और क्या अभिशासन उन सारे उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है? बातें समझ? यदि नहीं है तो समस्या का बेहतरीन समाधान नहीं कर सकता, यदि है तो कर सकता है। जैसे हम सेकेंड पेरे की बात करें, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, सामान्यतः यह माना जाता है कि नक्सलवाद की समस्या का समाधान अभिशासन के माध्यम से संभव है। क्योंकि ध्यान दो कि नक्सलवाद की समस्या का अभिशासन के माध्यम से संभव है। क्यों है? फर्स्ट, ठीक है, अब ध्यान सुनिए इस बात को। होता क्या है, अभिशासन में सिविल सोसाइटी की भूमिका होती है। अब सिविल सोसाइटी क्या करता है? प्रशासन को जन उन्मुख बना देता है। नंबर वन, अभिशासन में नागरिक समाज की भूमिका और नागरिक समाज प्रशासन को जन उन्मुख बनाता है। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा कि प्रशासन क्या करेगा, ये क्या करता है अभिशासन? प्रशासन को पारदर्शी जवाबदेह बनाता है। अरे बात है अभिशासन, और जब जब जवाबदेहिता बढ़ जाएगी तो सामाजिक न्याय क्या होगा? प्रोत्साहन। अभिशासन के कारण प्रशासन जवाबदेह बनता है, परिणाम तक सामाजिक न्याय। अब सोचो, हम तीसरी चीज बात करें जी, ये जवाबदेह बना था सामाजिक न्याय की बात करेंगे, क्योंकि नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा, संसाधनों का वितरण होगा, सामाजिक न्याय होगा। नक्सलवाद जन्म क्यों ली रहा है? सामाजिक अन्याय के कारण। जैसे दिक्कत ये है कि डैम बना, हमने एक वर्ग को रिप्रेस किया, तो एक पॉलिसी बनती है पुनर्वास नीति, और उसका सही तरीके से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण वह समुदाय क्या करता है? उसका विरोध करता है। अभी रुको, तो अभी तो एक बैटर चल रहे हैं हम लोग, घबराओ नहीं, अभी तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिलेगा। समझ मेरी बात है? देखो देखिए, तीसरी चीज हम बात करेंगे कि अभिशासन क्या करेगा। सोचो, नंबर तीन, अभिशासन के कारण क्या होगा? प्रशासन एवं नागरिक के बीच अंतरक्रिया में वृद्धि होगी। और जब अंतरक्रिया में वृद्धि होगी तो क्या होगा? सहभागी लोकतंत्र मजबूत। और जब सहभागी लोकतंत्र मजबूत होगा तो नीतियां क्या बनेगी? जन उन्मुख बनेगी, परामता हम नंबर चार की बात करें,
नक्सली व्यवस्था के प्रति आक्रोशित है। हमेशा ध्यान दो, अब शासन क्या करेगा? पहली चीज, आखिर नक्सली क्यों विरोध करते हैं व्यवस्था से? क्यों नहीं लगता उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है? अरे बात एक अविशासन, एक बड़ा सा रीजन ये है, लोगों की आवाज को सुनने के लिए बात करेगा प्रशासन को, पुनर्वास नीति का सही क्रियान्वयन करेगा। अविशासन कहां होगा? हो सकता है आक्रोश क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। नंबर चार, देखो आप, अविशासन के कारण क्या होता है? सरकार जनता की आवाज को सुनती है, तथा पुनर्वास नीति का सही क्रियान्वयन होता है। सही क्रियान्वयन होता है, परिणामतः आक्रोश की संभावना कम। अब सोचो, जब सरकार के प्रति आक्रोश कम होगा तो क्या होगा? नक्सलवाद की समस्या क्या होगी? कुछ हद तक कम होगी। ये बात हम थर्ड पेरे में आएंगे, और थर्ड पेरे में हम क्या करेंगे? नंबर थर्ड, देखो, किंतु हमेशा ध्यान दो, किंतु अविशासन नक्सलवाद को समाप्त कर देगा, इसे पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। अच्छा, ऊपर आपने क्या लिखा है? समानता माना जाता है, किंतु अविशासन नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति संदिग्ध है। क्यों संदिग्ध है? क्योंकि परिवर्तित, अब माना जाता है कि नक्सली आंदोलन अब रास्ते से भटक चुका है, अब उनका एक प्रकार का क्या है, व्यापार बन चुका है। फर्स्ट अब एक व्यापार बन चुका है, तथा आर्थिक हित प्राथमिक हो गए हैं। दूसरी चीज क्या हो गया, जो नक्सली आंदोलन शुरू हुआ था, भूमि के न्यायसंगत वितरण, अविशासन भूमि के न्यायसंगत वितरण की गारंटी नहीं देता। नंबर दो, नक्सली आंदोलन की शुरुआत भूमि के न्यायसंगत वितरण को लेकर हुआ, किंतु अविशासन ध्यान दो, किंतु जो अविशासन है, अरे बात है, भूमि के न्यायसंगत वितरण की गारंटी नहीं देता है, उसकी गारंटी देता ही नहीं है कि मैं नक्स भूमि का न्यायसंगत वितरण करूंगा और नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ठीक, हम नंबर तीन की बात करें। अब नक्सली आंदोलन क्या पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसमें नेपाल में हुआ,
राजतंत्र को बदल कर वो किसकी बात कर रहे थे? आधी बात है पहली चीज। हम नंबर तीन की बात करें, देखो आप नंबर तीन नक्सली पूरी व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। देखो ये जो नक्सली है पूरी व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं और इसके लिए हिंसा का सहारा लेना चाहते हैं। सॉरी, हिंसा का सहारा लेते हैं जो कानून व्यवस्था के विरुद्ध है। देखो आप ये सारी बातें करने के बाद हम चौथे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, नक्सली आंदोलन को समाप्त करने के लिए, अभिशासन को मजबूत करने के साथ साथ नक्सलियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। नक्सली आंदोलन को समाप्त करने के लिए अभिशासन को मजबूत करने के साथ नक्सलियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास आवश्यक है। ठीक है, ये निष्कर्ष आ जाएगा हमारा। हो जाएगा,